ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। समय निकालकर अवश्य सुने। अगर आपको सूखी खांसी हो तो पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं, इससे बहुत फायदा होगा। नंबर 2 है, अगर खांसी है तो लौंग, अजवाइन, तुलसी के पत्ते, इन सभी को नमक मिलाकर पानी में उबाल लें, फिर हल्का गुनगुना पानी रात में सोने से पहले ही पिएं, इससे आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 3 है, तिल और गुड़ को एक साथ मिलाकर बच्चों को खिलाने से बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देते हैं। नंबर 4, अपनी डाइट में रोजाना प्याज का सेवन जरूर करें, इससे ताजा खून बनता है। नंबर 5, आंखों में चमक लाने के लिए 4-5 किशमिश खाएं। नंबर 6, अगर आपके पीरियड्स लेट आते हैं तो अजवाइन के पानी का सेवन करें। इसको इस तरह से बनाना है कि एक गिलास पानी लेना है आपको और एक चम्मच अजवाइन लेना है, एक चम्मच गुड़ मिलाकर उबाल लेना है, फिर पानी को ठंडा करके खाली पेट पिएं, इससे पीरियड्स समय पर आएंगे। नंबर 7, अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो फटे हुए दूध का पानी पिएं, इसमें रिच प्रोटीन होता है और कैलोरी भी नहीं होती है। इसके लगातार सेवन से आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। नंबर 8, ब्रेड यानी डबल रोटी को दूध के साथ खाने से पतले लोग भी मोटे हो जाते हैं। नंबर 9, बच्चों को सर्दी के मौसम में ठंड ज़्यादा लग जाती है, ऐसे में तिल के तेल में लहसुन गरम करके मालिश करनी चाहिए। नंबर 10, मेथी खाने से पेट की सूजन और आंतों की सूजन में आराम मिलता है, इसलिए अपनी डाइट में मेथी जरूर शामिल करें। नंबर 11, बथुआ का साग पीलिया के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 12, काम करते समय यदि आलस आ जाए तो अदरक वाला पानी पिए। नंबर 13, अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पीने से आराम मिलता है। नंबर 14, नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजा जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर 15, नीम की पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से केल मुहासे की समस्या नहीं होती है। नंबर 16, प्याज का रस चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 17, प्याज का अचार खाने से खून की कमी नहीं होती है। नंबर 18, चने और मक्की का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है। नंबर 19, जिन औरतों को एनीमिया की समस्या हो उन्हें एक चम्मच चुकंदर के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से समस्या दूर हो जाती है। नंबर 20, लहसुन को जलाकर शहद और सिरका में मिलाकर लगाने से फोड़े फुंसी की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 21, घुटनों की चिकनाहट बढ़ाने के लिए आप रोज अपनी डाइट में नारियल पानी पिएं। नारियल पानी पीने से घुटनों का लचीलापन बढ़ता है। रोज अपनी डाइट में खूब हरी सब्जियों का सेवन करें, साथ ही बादाम, अखरोट, सारे मिक्स ड्राई फ्रूट खाएं। केला, लाल शिमला मिर्च और लहसुन, बीन्स, अदरक, इन सबको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 22 है, खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ रहती है और बलगम भी नहीं आता है। नंबर 23, यदि आपको दाद हो जाए तो एक या दो कली लहसुन को कूटकर उसका रस दाद पर लगाने से दाद 2 या 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 24, दही जलेबी का सेवन करने से स्किन हाइड्रेट रहती है, साथ ही चेहरे पर पिंपल्स और टैनिंग की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 25, जिन माता पिता के बच्चे समय से बोल नहीं पाते हैं और बच्चा कुछ बोले तो समझ ना आए, ऐसे स्थिति में ज़्यादा सवाल ना करें बल्कि बच्चे द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराएं, इससे बच्चा प्रोत्साहित होगा और बोलने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।